2.16% क्षेत्रफल है पूरे विश्व का और जनसंख्या हमारी 18% है, तो बताइए हमारा क्या होगा। दो बच्चों का कानून बने, हम दो हमारे, हमने तो बहुत पहले मान लिया था, हम तो हमारे दो, लेकिन हमारे कुछ साथी हैं दूसरे। भारत माता की जय। नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं अफसर बानो सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन ने सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के लिए जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को शपथ दिलाई। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ में जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में ग्राम सबली और उसके साथ साथ अनेकों ग्रामों में एकत्रित लोगों ने देश की सरकार से जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग कर हम दो, हमारे दो तथा दूसरों के भी दो के लिए खुद पर नियंत्रण के साथ साथ सभी को जागरूक करने के लिए शपथ दिलाई। जानते हैं इस अवसर पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र गुर्जर ने क्या कहा। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का मैं हापुड़ का जिला अध्यक्ष हूं। अच्छा, क्या मांग है आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की जो यहां पर एकत्रित होएगा? देखिए, हमारी मांग जो है पूरे भारत में है, आज ये प्रोग्राम हमारे पूरे भारत में है। दो बच्चों का कानून बने पूरे देश के अंदर, आज देश को बहुत ज्यादा जरूरत है दो बच्चों के कानून की। जितने ऐसा क्यों आवश्यक मान रहे हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए? देखिए, जितनी भी समस्याएं देश के अंदर हैं, हर समस्या की जड़ जनसंख्या की वृद्धि, बेतहाशा वृद्धि है। मैं आपको बता दूं, जब तक इस पर नियंत्रण नहीं होगा, अब देश के अंदर आप देख लीजिए, लूट, चोरी, डकैती, बेरोजगारी, महंगाई, ये जितनी भी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याओं की जड़ आज की तारीख में जनसंख्या वृद्धि है। और जब तक ये जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी, कोई भी सरकार आ जाए, आज से क्या पहले से सरकारें कहती आ रही गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी देंगे, कोई दे तो नहीं पाया, कोई दे भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? 2 करोड़ अगर रोजगार तैयार होते हैं तो मैं आपको बता दूं, 10 करोड़ की फौज पहले तैयार हो जाती है बेरोजगारों की, कहां से इसकी पूर्ति होगी? ये संसाधन हमारे खत्म होते जा रहे हैं, हमारा पानी, पीने का पानी हमारे पास खत्म होता जा रहा है और हमारे हवा हमारी जहरीली होती जा रही है। इसके लिए हम ये मांग करते हैं कि हमारे यहाँ देश के अंदर सख्त सख्त से सख्त दो बच्चों का कानून बने। शुक्रिया, और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।